इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से दिखाती है इनवैलिड यूपीआई आईडी, जब आप न्यू यूपीआई आईडी क्रिएट करते हुए होते हैं अपने फ़ोन पे के या कहीं पर भी, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके से इशू आता है। तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर हम ये लगाते हैं तो यहाँ पर ये लग जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं एट द रेट AXL, ठीक है, AXL, या अलग तरीके से हम एट द रेट को लगाते हैं या किसी भी नंबरिंग वगैरह को लगाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर यूपीआई आईडी आपको दिखा देगा ये नहीं है, तो आप जो है अगर इससे पहले यहाँ पर ये लगाते हैं, अपना वर्ड डालते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने शानू डाल दिया खाली, ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है बट इनने एक्सेप्ट कर लिया, बट यहाँ पर हम एट द रेट लगा लेंगे, इससे पहले डबल एट द रेट हो जाएगा तो वो अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि इनवैलिड हो जाएगी वो यूपीआई आईडी। तो इस वजह से यहाँ पर आपको शो दिखाता है इनवैलिड यूपीआई आईडी। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड मत लगाइएगा जो कि यहाँ पर ये अपसेट ना कर सके, ठीक है, यहाँ पर ये भी अपसेट कर लिया बट यहाँ पर ये पहले से ही लग रहा है एट द रेट तो ये अपसेट नहीं करेगा यहाँ पर। तो यूपीआई आईडी में न्यू आप इसमें दिखा रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको इसे भरना पड़ेगा वरना आपको इशू यहाँ पर क्रिएट होता रहेगा, इनवैलिड यूपीआई आईडी दिखाता रहेगा। तो आप अपना नंबर वर्ड डालिएगा बस सारे और नंबर एक डालिएगा तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व रहेगी। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।